काम गुणगान करते हैं जब देश में अंधकार और अज्ञानता का बादल छाए हुए थे। ये देश रसातल की ओर दौड़ा हुआ जा रहा था। अंधेरों ने उजालों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। गुलामी के दिन थे और निराशा के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। उस समय पर ऋषिवर देव दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ और आकर के उसने आर्य जाति में एक नया संचार किया, एक नई ऊर्जा को भर दिया और उस नई ऊर्जा से देश के नौजवानों में एक नई क्रांति करने की हिम्मत और ताकत आई। तो ऐसे ऋषि के विषय में एक भजन में आपके सामने रखता हूँ। ऋषि कौन का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौन का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि बन के आया, ऋषि कौन का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौन का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौन का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौन का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौन
आया।